फ्रेंड्स, मैं कक्षा 9 के मेरे संघ की औरत इस पाठ के व्याख्या को आगे के व्याख्या को लेकर आज फिर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें आपका स्वागत है। तो हम लोग अपने पिछले कक्षा में देखे थे या पिछले वीडियो में देखे थे कि हम लोग को लेखिका मृदुला गर्ग जी अपने परदादी के बारे में बता रही थी। उसकी परदादी भी ऐसी औरत थी जो कि लिख से खिसक कर चलने वाली थी, अर्थात परंपरा से बाहर जाकर काम करती थी। परदादी जो थी बहुत खुले मिजाज की थी। परदादी ने कभी भी लड़की और लड़की में विभेद नहीं किया। पहली बच्चा उसकी बहू को पतोहू को जब पहला बच्चा होने वाला था तो पहले बच्चे के रूप में पहले बच्चे उसने मन्नत मांगी थी भगवान से मंदिर में जाकर कि उसके पतोहू को पहला बच्चा जो है वो लड़की हो। तो ये सारे बातें, ये जो बात है ये लिख से खिसक कर ही है। साथ ही अपने पास कभी भी दो से ज़्यादा तीन साड़ियाँ हो जाती थी, धोतियाँ हो जाती थी, वो अवश्य उसे दान दे आती थी। तो ये सारी कुछ बातें उसमें थी जो कि उसे लिख से खिसक कर चलने की बात, लिख से खिसक कर चलने वालियों में से चलने वाली महिला के रूप में कहा जा सकता है। तो ये सारी बातें हम देखे थे। और ये भी था कि पूरे नकुर गाँव में ये बात फैला हुआ था। सभी लोग नकुर गांव के ये जानते थे कि परदादी जी अर्थात जिसे माजी, वहाँ के पूरे गांव के लोग उसे माजी कहते थे, उन्हें माजी कहा जाता था। तो माजी का पूरा सीधा संबंध जो है भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान से उनका सीधा रिश्ता है। वो जो भी मन्नतें मांगती है, जो भी वो भगवान से मांगती है, भगवान उसकी मन्नतों को मंजूर कर देता है। और भगवान जो है उनकी बातों में अफरा तफरी में भी अर्थात चक्कर में भी आ जाते थे। तो यहाँ पर लेखिका ये सारी बातें बता चुकी थी। अब लेखिका कहती है कि आगे का हिस्सा है, लेखिका कहती है कि नकुर गांव में एक नामी चोर था, मतलब एक बहुत बड़ा चोर था, जिस चोर से सारे लोग सतर्क रहते थे, सारे लोग जानते थे जिस चोर के बारे में। एक नामी चोर था। वो नामी चोर भी परदादी के बातों को सुनकर वो अफरा तफरी में आ गया था। और वो मैं लास्ट वीडियो में बताई थी कि वो अपना इस तरह से वो फंस गया था परदादी के बातों में कि उसे अंततः चोरी छोड़नी पड़ी थी। हम उसे आज देखेंगे। हुआ यूँ था कि पृष्ठ संख्या 18 उसके दूसरे अनुच्छेद में मैं हूँ। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुर के हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। तो ऐसा होता था पहले के समय में, जो लड़की के गांव में किसी शादी के सिलसिले में जो लड़के के घर वाले होते हैं, जो गांव का पूरा उस समय पूरे गांव के सभी परिवार ही एक परिवार में बंधे होते हैं, सभी गांव के जितने सारे परिवार होते हैं वो एक परिवार समझे जाते हैं। और उस समय पहले के समय में गांव के जितने मर्द होते हैं वो बारात में जाया करते थे, उस समय महिलाएं बारात में नहीं जाया करती थी। तो गांव में सारे मर्द जो थे वो निकल चुके थे, वो लड़की के गाँव गए हुए थे, बारात गए हुए थे। तो इसलिए गांव में मर्द जिस दिन गांव में मर्द नहीं होते हैं, क्योंकि मर्द रहने पर चोरों को थोड़ा डर रहता है, गांव में प्रायः सारे मर्द ही गांव से बारात के लिए गए हुए थे। तो उस समय चोरों के लिए बहुत मौका मिल जाता है, चोरों को उस समय लोगों के घर में घुसकर चोरी करने का अच्छा अवसर मिल जाता है। तो एक नामी चोर जो कि जानता था कि गांव के नकुर गांव के सारे जो तमाम मर्द जो हैं, अधिकतर पुरुष दूसरे गांव बारात के सिलसिले में गए हुए हैं। और जो गांव की औरतें हैं, औरतें सज धज कर रथ जगा मना रही थी। और औरत जो होती है गांव में, इन शादी के सिलसिलों में गाना बजाना बहुत होता है। रथ जगा मने रात में जगकर वो बहुत सारे जो औरतें होती हैं वो पुरुष का भी वो नाटक खेलती है, गाना गाती है, ढोलक बजाती है, ठीक है। तो वो जो औरतें हैं वो पुरुष सजती हैं, सजकर वो तरह तरह के मतलब अभिनय करती है, अभिनय दिखाती है, और इस तरह से वो लोग खुशियां मनाती है, नाच गाना करती रहती है। तो इसे रथ जगा मनाना कहते हैं। सारे औरतें जो है वो सज धज कर रथ जगा मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर ना हुई। चूंकि नकुर गांव का जो हवेली है, नकुर गांव के हवेली में सभी औरतें नकुर गांव की हवेली में आई हुई थी। नकुर गांव के हवेली में सारे जो जितनी भी उस गांव की औरतें थी वो सारी नाच गाना कर रही थी, ढोलक बजा रही थी। ढोलक की थापों के कारण जोर जोर से जो थापे पड़ रही थी उसके कारण काफ़ी शोर शराबा हो रहा था। तो इस
शोर शराबे में, इस हल्ला गुल्ला में किस समय चोर चुपके से नकुर गांव के हवेली में घुस जाता है, किसी को पता भी नहीं चला। पर चोर था बदकिस्मत, और चोर जो था उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उस दिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। जो चोर है वो गांव का चोर है, और जब वो पहले से उसने लक्ष्य बना रखा था कि आज इस गांव के सारे मर्द, अधिकतर मर्द, सारे नहीं, कुछ तो रह ही जाएंगे, तमाम मर्द दूसरे गांव को चले जाएंगे, तो गांव आज मर्दों से खाली रहेगा। तो नकुर की हवेली में उसे चोरी करना है, और उसने जिस कमरे में घुसने का ये वो पूर्व नियोजित था, जिस कमरे में घुसने का वो पहले से ही सोच लिया था, विचार किया था, वो कमरा किसी का था जिसे, उसके हिसाब से वो कमरा खाली होना चाहिए था, ठीक है। वो कमरा उसकी परदादी का कमरा नहीं था, वो कमरा खाली होना चाहिए था, लेकिन चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में वो घुसा था उस कमरे में दादी, जो माजी है, परदादी जी है, वो सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने के लिए वो अपने कमरे में नहीं सोती। चोर बेचारा सोचा कि ये तो दादी का कमरा है, मतलब परदादी जी का कमरा है, माजी का कमरा है, उस कमरे में तो माजी सोई रहेगी, तो उस कमरे में उसे जाना नहीं है। लेकिन उसे क्या मालूम था, वो पूरे तमाम जोग्राफिया, मतलब उस घर की पूरे घर के पूरे भौगोलिक जो जोग्राफिया, मतलब उस घर के पूरे नक्शा को, ठीक है, उस घर के पूरे नक्शा को चोर अपने दिमाग में पहले ही बैठा लिया था। उसे मालूम था कि कौन सा कमरा में कौन हो सकता है, कौन कौन से कमरे खाली होने चाहिए, तो उसे उसके अनुमान में उसने जिस कमरे में प्रवेश किया वो कमरा खाली होना चाहिए था। लेकिन औरतें इतना गाना बजाना कर रही थी, वो ढोलक बजा रही थी, गीत गा रही थी, नाच रही थी, गा रही थी, तो इसमें उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, तो उसने अपने कमरे को छोड़कर एक दूसरे खाली कमरे में जा वो सो गई थी। तो इतनी बड़ी बुरी पुरखी जगह बदल लेगी, चोर को क्या मालूम था। चोर तो तमाम जोग्राफिया, मतलब उस हवेली का जो नक्शा है अपने दिमाग में बैठा कर काम कर रहा था, वो तो अपने हिसाब से सही था, लेकिन उसका जो है उसका हिसाब गलत निकला। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पावों की आहट से ही खुल गई। बुढ़ापे की नींद, ऐसा होता है कि बुढ़ापे में नींद प्रायः कच्ची हो जाती है, वो नींद बहुत बहुत ही, मतलब बहुत गहरी नींद नहीं होती। गहरी नींद में जो बूढ़े लोग होते हैं बहुत अधिक गहरी नींद में नहीं सोते। तो चोर दबा पाँव में ही घुस रहा था, तो दबे पाँव के आवाज़ से ही परदादी जी का, अर्थात माँ जी का नींद जो है वो खुल जाता है, और उसकी आँख खुल जाती है। तुरंत वो पूछती है, कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, वो काफ़ी साहसी भी थी, उसे डर नहीं हुआ, वो बड़े आराम से पूछी, इत्मीनान से पूछी, कौन? जी मैं, चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। असंगत और पारंपरिक यहाँ पे क्यों बोला गया है? कोई पूछने से कौन, मैं, ये बात हम लोग हमेशा से ही बोलते हैं कि मैं, तो उसके अचानक चोर के मुंह से पारंपरिक जवाब मैं निकल गया, लेकिन ये जवाब इस समय असंगत था, मतलब ये सही नहीं था। वो तो चोरी करने आया था, उसे चुप रहना चाहिए था, छिपा होना चाहिए था, लेकिन वो असंगत जवाब दे दिया मैं, वो गलती से दे दिया, जो अभी संगत नहीं था, उसने असंगत जवाब दे दिया मैं। पानी पिला, माँ जी ने कहा, उसे लगा था कि मर्द की आवाज़ को सुनते ही वो घबरा जाएगी, क्योंकि उस हवेली में प्रायः कोई मर्द ही नहीं था, तो कमरे में कौन मर्द घुसा है ना, लेकिन वो आराम से बोली, वो घबराई नहीं, माँ जी घबराई नहीं, उसने आराम से उसने कहा, माँ जी ने कहा पानी पिला। जी मैं, चोर झिझक कर रह गया, क्योंकि चोर को मैं कह देने के बाद चोर को अब संदेह हो रहा था कि अब वो पिटवाया जाएगा, उसकी अच्छी पिटाई होगी, क्योंकि इस हवेली में प्रायः सारे मर्द जा चुके हैं, कोई भी मर्द, कोई भी पुरुष इस हवेली में नहीं है, ठीक है, तो कमरे के अंदर किसी पुरुष को तो होना नहीं चाहिए, मतलब कमरे में अगर मेरी मर्द वाली आवाज़ पुरुष की आवाज़ में मैं जब कह चुका है, इसका मतलब यहाँ कौन सा पुरुष है, छानबीन होगी, और वो अब पकड़ा जाएगा, उसे पिटा जाएगा, वो अच्छी तरह से उसकी पिटाई होगी। लेकिन माँ जी ने आराम से, माँ जी समझ भी गई होगी, लेकिन माँ जी ने कुछ नहीं कहा, माँ जी समझते हुए भी माँ जी ने कहा पानी पिला। लेकिन चोर को आश्चर्य लगा, वो घबरा कर पूछता है, जी मैं,
वो घबरा गया, वो झिझक कर पूछा, जी मैं? तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। माँ जी के बिस्तर के साथ कुछ कोई मेज वगैरह होगा जहाँ पे लोटा रखा हुआ था। माँ जी पहले ही देख चुकी थी कि पानी वाला जिस लोटे में पानी को होना चाहिए था, लोटा खाली है। पानी वो पी चुकी थी, लोटा खाली है। ऐसा कर उन्होंने कहा, या लोटा ले और कुएं से पानी भर लो, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। माँ जी ने उसे कहा कि हाँ, इस कुएं से जा पानी लेकर आ। ऐसा कर इस लोटे को ले और कुएं से पानी भर कर ला, लेकिन एक बात ध्यान से, कपड़े को कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। माँ जी ने कहा कि लोटे के मुंह पर कसकर कपड़ा बांध कर रखना और ठीक से पानी को डालना ताकि वो छन जाए, और तरीके से छानियो, क्योंकि पानी में कुएं का पानी है, उसमें कुछ गंदगियाँ हो सकती हैं। तो लोटे के मुंह पर कपड़ा बांध कर पानी को अगर गिराया जाए, उसमें पानी को उसमें डाला जाए तो वो छन जाएगा। लेकिन चोर समझा कि चोर इस बात को सुनकर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। लेकिन चोर को कुछ और ही लगा। चोर इस बात को समझा नहीं। चोर सोचा कि अभी तो कमरे में अंधेरा है, लेकिन अंधेरे कमरे में उसने मुझे मुंह पर कपड़े को कसकर बांधने के लिए कहा, इसका मतलब मेरे मुंह पर जो कपड़ा बंधा हुआ है उसे वो मालूम है, लेकिन उसे दिखाई तो नहीं दिया। और पानी छानने तरीके से पानी छानने की बात कर रही है, इसका मतलब भांग को पानी में मिला कर छानने की बात कर रही है, लेकिन मेरे कमर में जो भांग बंधा हुआ है ये इस बुढ़िया को कैसे मालूम, यहाँ तो अंधेरा है। चोर जो है वो इस बात को मान समझ लिया। चोर के मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था, तो चोर को लगा कि वो बुढ़िया कह रही है, पर दादी जी कह रही है, माँ जी कह रही है कि मुँह के कपड़े को कसकर बांध के रखना और कमर में जो भांग है उसे पानी में मिला कर छानना। तो उसे लग रहा कि भाई मेरे कमर में भांग है और मुंह में कपड़ा है, ये इसने देखा कैसे, कमरा तो अंधेरा है। लेकिन वो माँ जी ने उसे कहा नहीं था, ये नहीं कहा था। माँ जी का कहने का अर्थ था कि लोटे के मुंह पर कपड़े को कसकर बांधना और पानी को ध्यान से कपड़े उस ध्यान से उसे छानना, कपड़ा जो बंधा हुआ रहेगा पानी को उसमें डालना तो वो अपने आप छन जाएगा। तो ये माँ जी ने कहा था, लेकिन चोर समझा ये। तो चोर को लगा कि चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, और पूरा नकुर गांव जानता था कि परदादी जी का भगवान से सीधा रिश्ता है। तो ये चोर भी जानता था। सोचा चोर कि हाँ, इसे इसका तो पूरा रिश्ता भगवान से है, भगवान जो है इसमें है, ये भगवान का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसको मालूम है कि मेरे मुंह में कपड़ा बंधा हुआ है और मेरे कमर में भांग है, इसको पहले ही मालूम है क्योंकि इसका भगवान से सीधा रिश्ता है। तो जब उसने कहा कि कपड़े को कसकर बांधना और तरीके से पानी को छानना, तो उसने सोचा कि अब उसके चोर के मुंह पर कपड़े को कसकर बांधने की बात कहा जा रहा है और भांग को पानी में मिलाकर छानने की बात कहा जा रहा है। लेकिन इस कहने का अर्थ था कि कपड़े को लोटे के मुंह पर कसकर बांधना और उसमें धीरे से ठीक से पानी डालना, इत्मीनान से पानी डालना ताकि पानी जो है अच्छी तरह से छन जाए। लेकिन चोर तो समझा कि ये जो माँ जी है इसका भगवान से सीधा रिश्ता है, तभी वो भांग से पानी छानने की बात कह रही है और मेरे मुंह पर कपड़े को कसकर बांधने की बात कह रही है, लेकिन वो देखी नहीं है, वो समझ गई है क्योंकि भगवान से इसका रिश्ता है, सीधा रिश्ता है। चोर ये सब बात को समझ लिया। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे भी थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन नहीं हुआ। चोर सोच रहा था, अरे ये बुढ़िया पानी में भांग भी छानती है, इस बात को उसको बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। इसी से वो कुछ हैरान हुआ, परेशान हुआ, लेकिन वो और कुछ कहा नहीं। और वो जो है उसे फिर से कहा गया, जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। तब उसको कहता है, चोर कहता है, पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। अब माँ जी ने सही तरीके से बोला। जब माँ जी ने कहा कि तू खड़ा क्यों है, जा जल्दी से पानी ले आ, मेरा जो है प्यास के मारे मेरा गला सुखा जा रहा है। तो वो धर्म संकट में आकर
कई गांव का चोर है, पुराने समय का चोर है, ये भी थोड़ा धर्म की बात सोचता था। तो धर्म संकट में आकर वो बेचारा कह ही डाला, चाहे कुछ भी हो जाए, कि माँ जी मैं तो चोर हूँ, मेरे हाथ का पानी आप पीजिएगा। तो वो तो पहले ही जान गई थी कि कमरे में कोई दूसरा कुछ है, कमरे में चोर वगैरह कोई है। तो उसने कहा, हुआ करे, चोर है तो है, यहाँ पर तेरे सिवा कौन है। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो, इस लोटे के मुंह पर कपड़े को कस कर बांध के रखना और जो है अपने हाथ को रगड़ कर धो लेना और पानी जो है उसे कपड़े से छान कर भरना। अब वो समझा कि वो पानी में भांग मिलाकर छानने की बात नहीं, वो लोटे के मुंह पर जो है कपड़े को कस कर बांध कर उससे पानी को छानने के लिए कहा। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी, वो फिर पूछता है, मैं तो चोर हूँ और मैं तो दुत्कारा चाहता हूँ, आप मेरे हाथ का पानी पी लोगी। कहा ना, रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। माँ जी को पहले पता चल गया था कि उसके कमरे में शायद वही नामी चोर आया है, चोर आया हुआ है, लेकिन वह उसके साथ भी इस तरह से पेश आई, उसे पिटवाई नहीं, उसके साथ बिल्कुल अपने पुत्र जैसा, अपने संतान जैसा पेश आई। उसने कहा कि देखो, सारी औरतें जो है नाच गाने में व्यस्त है, तेरे सिवा और कौन है इस कमरे में जो मुझे पानी पिलाएगा। तू मुझे पानी पिलाएगा, तू ही मुझे पानी पिलाएगा, तेरे और भगवान के सिवा कौन है जो मुझे पानी पिलाएगा। अब तो तुझे ही पिलाना पड़ेगा, भगवान वही कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। जब माँ जी ने कहा कि तू यहाँ पर तू है और भगवान है, तो तू ही मुझे पानी पिला दे। जब चोर ये सुना कि यहाँ पर यहीं कहीं भगवान भी है और मैं हूँ, तो वो ऐसा अकबकाया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये परदादी जी जो है, माँ जी जो है, भगवान से उसका रिश्ता है, तो शायद कमरे में भगवान भी उनके साथ रहते होंगे जो उसे नहीं दिख रहा है। तो वो अकबका गया, लोटा लेकर वो गया और जो है वो लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भर कर लौटा, पहरेदार ने धर दबोचा, घर में हवेली में पहरेदार भी था, तो वो अप्पू जिस तरह से उसे कहा गया था, निर्देश दिया गया था, बिल्कुल वैसे ही पूरी सावधानी के साथ उसने लोटे को धोया, हाथ को धोया, पानी भरा, छान कर पानी को उसमें भरा। तब तक में उसे पहरेदार ने दबोच लिया था, कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए, अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। और कुएं पर वो देख लिया था कि पानी भर रहा है, तब तक लाकर पानी वो माँ जी को दे दिया। फिर जो है उसे बहरेदार आकर धर दबोच लेता है। तब तक में माँ जी उस लोटे के पानी को, आधा लोटे पानी वो पी ली थी, खुद पीकर अब वो कहीं बाकी चोर को पिला दिया, कहा कि अब तू पानी पी। पानी पीने के बाद वो कहती है, देख एक ही लोटे से मैंने भी पानी पिया, तूने भी पानी पिया, एक ही लोटे से पानी पीने से अब मैं और तू माँ बेटे, हम दोनों माँ बेटे के रिश्ते में बंध गए, अब हम माँ बेटे भी, अब तू चोरी कर या खेती कर। मतलब उसे समझा दी कि तेरे चोरी करने का काम आज से ख़त्म, तू मेरे लोटे से पानी पिया है, तू मुझे पानी भर कर ला दिया है, अब हम दोनों माँ बेटे हो गए। ऐसा कहने से पहरेदार भी उसे छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर माँ जी जो थी उसे खुद सब मालूम था, उसने उसे बेटा बना लिया था। और उसने कहा कि आज से तू या तो चोरी कर या खेती कर, मतलब वो उसे संकेत कर रही थी कि तू अब चोरी करना छोड़ और खेती के काम में आ, तू अब ईमानदारी के काम में आ। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा, सालों साल लगा रहा, तब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बुढ़ा लगा, मुझे डरा डरा हैरान सा। लेखिका इस कहानी को बहुत बचपन से सुनती थी, इस किस्से को बहुत बचपन से सुनते आ रही थी। ऐसा कह देने के बाद माँ जी के वो चोर फिर कभी चोरी नहीं किया, वो खेती के काम में लग गया और तब से वो सालों साल खेती ही करता रहा। खेती करते करते वो बूढ़ा हो गया। लेखिका ने जब उसे देखा, वो एक बूढ़ा आदमी था, वो एक बूढ़ा आदमी, एक भला मानुस, एक भला आदमी था, एक बूढ़ा था, उसमें किसी प्रकार का कोई क्रूरपन, कोई खूंखारपन उसमें नहीं था, और एकदम डरा डरा सा, डरी डरी नज़रों में हैरान सा वो था, ठीक है, मतलब वो लेखिका को देखकर डरा डरा सा देख रहा था, हैरान सा देख रहा था। जब लेखिका उससे मिली, उसमें एक बूढ़ा आदमी हो गया था, एक भला आदमी था, लेकिन एक समय वो उस गांव का नामी चोर था। तो अब खानदानी विरासत कहिए
या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माजी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। लेखिका कह रही है, इन दो सन की महिला, एक हुई परदादी जी जिसे माजी कहा जा रहा है, और एक हुई उसकी नानी। एक तरफ परदादी जी जो लड़कियों को बहुत महत्व देती थी, लड़कियों को हीन नहीं समझती थी, तो उस समय घर घर में लड़कियों को हीन दृष्टि से देखा जाता था, खुद लड़कियों को हीन भावना होता था अपनी लड़की होने पर। तो एक और तो परदादी के कारण लड़की मृदुला गर्ग और उसके दूसरे बहनों को लड़की होने का कोई अफसोस नहीं था और उन्हें किसी बात का कोई दुख नहीं था, और दूसरी तरफ नानी जी, उनके मन में नानी की कहानी, जो नानी से भेंट तो नहीं हुई थी, मुलाकात तो नहीं हुई थी, लेकिन नानी की कहानी को सुनने से ये मालूम था कि देश की आज़ादी और अपने तरीके से जीना, स्वतंत्रता से जीना बहुत ज़रूरी है। तो ये जुनून इनके मन में भी देश की आज़ादी लेकर नाहक रोमानी हो रही थी। लेखिका लोग भी, ठीक है, मतलब ये मृदुला गर्ग, उसकी बड़ी बहन, ये लोग भाई बहन लोग, तो ये दोनों जो पुराने समय की महिला है, परदादी जी और नानी, दोनों काफ़ी सनकी, अर्थात दोनों उस समय की औरतों से अलग थी। उनके विचार अलग थे, उनके सिद्धांत अलग थे, उनके कामकाज अलग थे। तो इन दोनों के बीच लेखिका फंसी और इनका भी जो है व्यक्तित्व इनके तरह ही हुआ। काफ़ी खुले व्यक्तित्व की थी, किसी प्रकार का लड़की होने के कारण हीन भावना नहीं था। नानी ने भी उसे देशभक्ति की बात, देशभक्ति की भावना जो है मन में डाल कर गई थी। ऐसा मैंने किस्सा सुनकर, वो नानी के, नानी की बात को सुनकर नानी जैसा बनने की कोशिश करती है। तो ये दोनों, परदादी और नानी तक आज हम इसको रखते हैं, यहाँ तक इस पाठ को आज हम रखते हैं। अगले वीडियो में मैं बाकी के पाठ को बताऊँगी। तो इसका बड़ा असर लेखिका के व्यक्तित्व पर पड़ता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। तो स्टूडेंट धन्यवाद, आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मैं फिर आगे के अंशों को लेकर आऊँगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स।